एनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। ईडी के आरोपों को नकारा, कहा नहीं बनाए कोई अवैध संपत्ति। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग, गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव स्तर के अधिकारी हुए बैठक में शामिल। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के कार्यान्वयन पर चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, सोनिया गांधी के घर हरियाणा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक शुरू। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, दिवंगत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे पीएम मोदी। अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, रेल कोच फैक्ट्री में जाएंगी प्रियंका। रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों से कांग्रेस महासचिव की मुलाकात संभव। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पीएम मोदी को सलाह, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हो निर्यात, एक तिहाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आना चाहिए। राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को लिखा खत, केरल के लिए मांगी मदद, केरल में पुनर्वास कार्यों के लिए मदद करे केंद्र सरकार। हरियाणा में कांग्रेस नेता की बड़ी मुश्किल, कुलदीप बिश्नोई का होटल हुआ सीज, 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर एक्शन। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, रामलला के विरोध में उतर आए हिंदू पक्षकार, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जताई नाराजगी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अनुच्छेद 370 का मामला, शाह फैजल और शेहला रशीद ने दायर की याचिका, अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ होगी सुनवाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल का अजीबोगरीब दावा, इस्लाम के आगमन के बाद भारत में छुआछूत आया। ब्रिटिश मुस्लिम सांसद लॉर्ड नजीर अहमद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए विवादित ट्वीट से सोशल मीडिया पर माहौल गरम, कहा वाजपेयी जेटली के बाद अब नरेंद्र मोदी का नंबर। अमेजन जंगल की आग बुझाने के लिए G7 की मदद ब्राजील को नामंजूर, ब्राजील ने मदद के लिए शुक्रिया कहते हुए मदद को किया अस्वीकार। मंदी की आहट के बीच RBI ने मोदी सरकार के लिए खोला खजाना, 1.76 लाख करोड़ रुपए देगा RBI। बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने बिमल जलान कमेटी की सिफारिशों को दी मंजूरी। एंटीगुआ के डॉक्टरों ने नहीं किया भगोड़े मेहुल चौकसी का इलाज, चौकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ली याचिका। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद पीवी सिंधु का स्वागत, पीएम मोदी से की सिंधु ने मुलाकात, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी मिली। फिक्सिंग मामले में हांगकांग के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों इरफान अहमद और नदीम अहमद पर गिरी गाज, ICC ने लगाया आजीवन प्रतिबंध। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन में 22 साल के सुमित नागल से फेडरर का जोरदार मुकाबला, स्विस स्टार फेडरर ने नागल को 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से दी मात। सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर, सलमान खान ने संजय लीला बंसाली की फिल्म इंशाल्लाह से किया बैकआउट। और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर का ट्रेलर रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर एक्शन से है भरपूर, वॉर ट्रेलर देख फैंस बोले ब्लॉकबस्टर।